हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मेथड्स ऑफ द इकोनॉमिक्स लॉ। मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ जो है दो तरह के होते हैं, डिडक्टिव है, इंडक्टिव मेथड है। और इसके अंदर जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन डिडक्टिव मेथड। सेकेंड लेक्चर के अंदर जो है हम इंडक्टिव मेथड करेंगे। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथडोलॉजी क्या होती है, क्योंकि मैंने कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द मेथड्स ऑफ द इकोनॉमिक्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का अर्थ होता है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है, किस तरह से वो लॉ जो है बनाता है जिससे हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो है फॉर्मुलेट करते हैं। मेथडोलॉजी का अर्थ होता है कि लॉजिकल प्रोसेस क्या है, कि जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जो है डिस्कवर करते हैं और उसको हम थ्योरी के रूप में जो है बताते हैं। द टर्म मेथड रेफर्स टू द टेक्निक्स। देखो, मेथड के अंदर टेक्निक्स आ जाती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल को बनाते हैं और उसकी वेरिफिकेशन को जो है चेक करते हैं। तो मेथडोलॉजी के अंदर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी आ जाती हैं, वेरिफिकेशन टेक्निक्स भी आ जाती हैं। तो देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज डिडक्टिव मेथड एंड द सेकेंड वन इज इंडक्टिव मेथड। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन डिडक्टिव मेथड। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिडक्टिव मेथड है इसके क्या क्या अलग अलग नाम है। ये देखो एक हाइपोथेटिकल मेथड है, क्योंकि इसके अंदर कुछ हाइपोथीसिस जो है सेट किया जाता है, कुछ अजम्पशन जो है अज्यूम की जाती हैं। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिक के बेसिस पे क्या होता है कि थ्योरी को जो है फ्रेम आउट करते हैं। ये जो थ्योरी है कोई एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर नहीं होती, यहाँ पर लॉजिक के बेसिस पे जो है थ्योरी बिल्ड की जाती है। इसको हम प्रायरी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस लॉ को क्रिएट करने के लिए हमें एम्पिरिकल डाटा की जरूरत नहीं होती। और बोल्डिंग कहते हैं कि दिस इज अ मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिस्ट जो है अपने लॉजिक और एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या है कि कुछ हाइपोथेसिस लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है कि इकोनॉमिक थ्योरी को जो है फ्रेम आउट करते हैं। और ये जो डिडक्टिव मेथड है डैट इज यूज बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वॉलरस मैगनर एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक रॉबिन्स एंड फ्रीडमैन। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो हमने देखा कि जो डिडक्टिव मेथड है इसके साथ कौन से इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं और इसको अलग अलग क्या नामों से जो है बुलाया जाता है। तो देखो, जो डिडक्टिव मेथड है इसके अंदर क्या होता है कि जो यूनिवर्सल लॉ है उसके बेसिस पे हम पर्टिकुलर जो होता है उसके ऊपर लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो मैन है वो मॉर्टल है, कि आदमी जो है वो नाशवान है, तो अगर हम कहें कि मिस्टर ए इज़ ए मैन, तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर ए जो है डैट इज मॉर्टल। तो यहाँ पे जनरल थ्योरी के बेसिस पे क्या होता है कि उसको हम एक स्पेसिफिक एंटिटी के ऊपर जो है उसके कंक्लूजन जो है अप्लाई कर सकते हैं। जी विल्सन कहते हैं बाय डिडक्शन इन लॉजिक इज मैंट रीजनिंग और इन्फ्रेंस का अर्थ होता है कंक्लूजन निकालना। बाय डिडक्शन इन लॉजिक इज मैंट रीजनिंग और इन्फ्रेंस फ्रॉम द जनरल टू पर्टिकुलर और फ्रॉम यूनिवर्सल टू द इंडिविजुअल। देखो, यहाँ पर डिडक्टिव मेथड का होता है कि जनरल थ्योरी के बेसिस पे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर थ्योरी पे उसको अप्लाई करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो प्राइस है वो कहाँ पे सेट होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या है कि जनरल लॉ हो गया कि प्राइस इज डिटर्मिन वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो अब वीट जो है उसकी प्राइस कहाँ पे डिटरमिन होगी, जहाँ पे वीट की डिमांड जो है स्वीट की सप्लाई के बराबर है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि कुछ हम अजम्पशंस लेते हैं जिसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस जो है वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशन है उसको बिल्ड करते हैं और उसको ऑब्जर्व फैक्ट के साथ जो है कंपेयर करते हैं। अगर वो फैक्ट जो होते हैं हमारे हाइपोथेसिस को कन्फर्म कर देते हैं तो उसको थ्योरी मान लिया जाता है, और अगर ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल होती है तो ये लॉ बन जाती है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिमांड है। तो अब हम देखते हैं कि जो डिडक्टिव मेथड है, जैसे मैंने कहा कि मैन इज मॉर्टल, मैन जो है नाशवान है, ए इज मैन, तो हम कह सकते हैं कि ए भी जो है मॉर्टल है। तो यहाँ पे हमने जनरल से जो है कंक्लूजन ड्रॉ किया पर्टिकुलर के ऊपर, और उसी तरह हमारी
एक और एग्जाम्पल है, डीपली हम उस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें बताता है कि जैसे जैसे चीज़ों को हम ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे या जब जिन चीज़ों का स्टॉक हमारे पास ज़्यादा होता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है. तो इससे हम काफ़ी सारे कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे रिच पीपल है तो उनके अंदर क्या होता है कि मनी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको यूटिलिटी एज कम्पेयर टू पुअर जो होती है कम मिलती है. और रिच जो है इसी वजह से क्या है टैक्स को बेयर कर सकते हैं. और भी बहुत सारे हम कंक्लूजन जो है जनरल लॉ से जो है अप्लाई कर सकते हैं. और जो लॉ ऑफ डिमांड है, देखो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है. लोग जो है देखो किसी भी कमोडिटी को तभी ज़्यादा खरीदते हैं जब जब उसकी प्राइस जो होती है रिड्यूस होती है, क्योंकि उनकी यूटिलिटी जो होती है लो होती है, तो जिसकी वजह से वो कम प्राइस पे करने को तैयार होते हैं. तो अब हम देखते हैं कि जब डिडक्टिव मेथड है तो इसके अंदर हम किस तरह के प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं. एक तो पहले सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम अजम्पशन को बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम प्रेडिक्शन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि उनकी हम वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बेसिस पे वो जनरल लॉ बन जाता है. तो अब हम स्टेप्स को डीपली स्टडी करते हैं. देखो डिडक्टिव मेथड के अंदर फर्स्ट जो स्टेप है डैट इज़ द जनरल प्रोपोजिशन और द हाइपोथेसिस. तो यहाँ पे हमें जनरल प्रोपोजिशन के क्या हमने जो है क्या वेरिएबल्स के अंदर हम रिलेशनशिप जो है स्टडी करना पड़ते हैं. और ये हाइपोथेसिस ऐसा होता है कि जो अभी प्रूव नहीं हुआ, इसको हम प्रायरी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे जनरल प्रोपोजिशन ये होती है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है डैट इज़ डिटरमिंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई. तो सबसे पहले इस स्टेज के अंदर हम हाइपोथेसिस जो है बिल्ड करते हैं जिसको हम जो है टेस्ट करना चाहते हैं. और उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम सर्टेन अजम्पशंस लेते हैं. अजम्पशंस का अर्थ होता है कंडीशन, जिसके बेसिस पे क्या है कि हमने जो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन बिल्ड किया है उसको हमने टेस्ट करना है. तो यहाँ पे जैसे मैंने हाइपोथेसिस हमने लिया था कि प्राइस जो है वहाँ पे डिटरमिन होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो होते हैं बराबर होते हैं. तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को फैक्ट के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं. और जो हमें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते और इतना ज़्यादा वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो उनको हम स्थिर मानते हैं. तो यहाँ पे अजम्पशन है कि देखो बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और डिमांड जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब प्राइस राइज करती है, और जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड जो है एक्सटेंड हो जाती है, और सप्लाई जो है जब प्राइस, क्योंकि यहाँ पे देखो डिमांड जो है हम कंज्यूमर के हिसाब से देख रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो वो कम परचेज करता है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो वो ज़्यादा परचेज करता है. सप्लायर को हम सप्लायर के व्यू पॉइंट से देखते हैं कि जब प्राइस जो है राइज होती है तो वो मार्केट के अंदर ज़्यादा माल लेके आता है, जब प्राइस कम हो जाती है तो वो कम माल लेके आता है. तो इस तरह की हम अजम्पशन जो है बिल्ड करते हैं. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम जो हमने अजम्पशन की है उससे हम क्या कंक्लूजन जो है निकाल सकते हैं. अब देखो ये जो हमने अजम्पशन ली है उसके बेसिस से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर कीमत ज़्यादा है तो सप्लाई जो होती है डिमांड से, क्योंकि हाई प्राइस के अंदर क्या होता है कि जो सप्लायर है मार्केट के अंदर ज़्यादा माल सप्लाई करता है, और डिमांड से सप्लाई जो होती है ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस कम होनी शुरू हो जाती है. लो प्राइस पे वो मार्केट के अंदर कम सप्लाई करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, तो प्राइस जो होती है इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. और देखो जब सप्लाई जो होती है डिमांड के बराबर होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई प्राइस की ना बढ़ने की या घटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं. तो लॉ हो जाएगा कि वहाँ पे प्राइस डिटरमिन होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं. अब उसके बेसिस पे क्या है हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के, जिसके बेसिस पे क्या है कि अगर हम सप्लाई को बढ़ाएंगे तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, और अगर हम सप्लाई को डिक्रीज करेंगे तो नेचुरली यहाँ पे उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. अब यहाँ पे हम इम्पिरिकल स्टडीज़ करके इस लॉ को टेस्ट करते हैं, और अगर ये जो हम डाटा जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं तो अगर ये लगता है कि ऐसा ही वाक्य होता है तो ये एक थ्योरी बन जाती है.
और उसी तरह हम देखते हैं कि जो डिडक्टिव मेथड है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो ये बहुत ही सिंपल मेथड है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डाटा कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। हम यहाँ पे लॉजिक के बेसिस पे क्या होता है कि कुछ अजम्पशन बिल्ड करते हैं, फिर उसके बेसिस पे थ्योरी फ्रेम आउट करते हैं, तो कंक्लूजन जो ड्रॉन होते हैं वो सर्टेन होते हैं, क्लियर होते हैं, और यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं होती डाटा कलेक्ट करने की। तो डाटा कलेक्ट नहीं करते तो उसके अंदर जो डाटा कलेक्शन के अंदर कुछ एरर्स होते हैं वो हमारी थ्योरी के अंदर भी नहीं आते, और यहाँ पे जो थ्योरी बिल्ड की जाती है उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, उसकी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये मेथड जो होता है क्योंकि यहाँ पे डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे लॉजिक के बेसिस पे थ्योरी बिल्ड की जाती है, तो लेस एक्सपेंसिव होता है और ये थ्योरी बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डीमेरिट्स क्या है। देखो यहाँ पे हम अनरियलिस्टिक अजम्पशन लेते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड बताते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, तो क्या होता है कि रियलिटी के अंदर क्या होता है कि स्टैटिक कंडीशंस नहीं होती, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम अनरियलिस्टिक अजम्पशन लेते हैं तो यहाँ पे हमारी जो थ्योरी होती है वो साइंटिफिक नहीं होती, और इसकी वेरिफिकेशन के अंदर भी क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है। ये स्टैटिक अप्रोच है क्योंकि कई चीज़ों को हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, और इस मेथड से सारी प्रॉब्लम जो होती है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लॉजिक के बेसिस पे क्या किया जाता है, ये एक इंटेलेक्चुअल टॉय बन जाता है इकोनॉमिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्पिरिकली ये डाटा नहीं कलेक्ट किया जाता, उसके बेसिस पे थ्योरी बिल्ड नहीं की जाती, तो यहाँ पे जो पर्सनल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये डिडक्टिव मेथड की क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं।